नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र न भूलने का आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से अधिकतम लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों के प्रयासों को केंद्र का पूरा समर्थन। श्री मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार जरूरी हैं और देशवासियों को इसे बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने लोगों की सेवा में लगी नर्सों, एम्बुलेंस चालकों और अन्य कोरोना वॉरियर्स की भूमिका की सराहना की। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिला सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देश में अब तक 14,09,00,000 कोविड-19 टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। केंद्र ने राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में वृद्धि की। महावीर जयंती देशभर में मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। कोरोना के इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है, इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वैक्सीन लें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। दवा उद्योग, वैक्सीन निर्माताओं, ऑक्सीजन उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कोविड महामारी पर केंद्रित मन की बात की इस कड़ी में श्री मोदी ने कोरोना योद्वाओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री से बातचीत में मुंबई के डॉ शशांक जोशी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और कोविड की ये लहर भी गुजर जाएगी। डॉ जोशी ने कहा कि रेमडेसिविर दवा की सीमित भूमिका है और इसे केवल तभी लेना चाहिए जब मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के डॉ नवीद नजीर शाह से बातचीत की। डॉ शाह ने सलाह दी कि इस समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है और लोगों को मास्क पहनना
हाथ धोना और सुरक्षित दूरी का पालन करना चाहिए और सामाजिक समारोह से बचना चाहिए। इस टाइम भी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हम अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रायपुर के बीआर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज की सिस्टर भावना ध्रुव से बात की। सिस्टर भावना ने कोरोना योद्धाओं के परिवारों के भय को दूर करने के साथ लोगों के दिलों से भी कोविड का भय दूर करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के केसी जिंदल अस्पताल में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सिस्टर सुरेखा से भी बातचीत की। सिस्टर सुरेखा ने कहा कि शीघ्र जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने से मृत्यु दर कम करने में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ की हजारों बहनें और भाई अनुकरणीय ढंग से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये हर किसी को महान प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है और प्रत्येक देशवासी को सकारात्मक भाव बनाए रखना चाहिए। श्री मोदी ने एम्बुलेंस ड्राइवर प्रेम वर्मा से बातचीत की। प्रेम वर्मा ने इस बात पर बल दिया कि लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि ये उनके और उनके परिवार के हित में है। जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास, तो दो साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम, अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहां वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। सभी को ये डोज लगवानी चाहिए। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो। मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्बुलेंस चालक अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशभर के एम्बुलेंस चालकों की सराहना की। श्री मोदी ने गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी से बात की जिन्होंने हाल ही में कोरोना को हराया है। सुश्री चतुर्वेदी ने योगासन और प्राणायाम किया, प्रोटीन युक्त आहार लिया और मानसिक रूप से मजबूत बनी रहीं। जांच में संक्रमण से मुक्त पाए जाने के बाद प्रीति अब भी काढ़ा ले रही हैं और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के उपाय कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं। वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। श्री मोदी ने आज भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। ये सभी हमें अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर हम जीवन में जितनी कुशलता से अपने कर्तव्य निभाएंगे, संकट मुक्त होकर भविष्य के रास्ते पर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज भगवान महावीर जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्मसंयम की प्रेरणा देते हैं। अभी रमजान का पवित्र महीना भी चल रहा है, आगे बुद्ध पूर्णिमा भी है, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है, एक महत्वपूर्ण दिन पोचिशे बैशाख टैगोर जयंती का है। ये सभी हमें प्रेरणा देते हैं अपने कर्तव्य को निभाने की। प्रधानमंत्री के आपात स्थिति में नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में 551 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए धन के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इन संयंत्रों में प्रेशर स्विंग एडॉप्शन पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होगा,
ये फैसला अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुरूप किया गया है। प्रधानमंत्री ने इन संयंत्रों को जल्द से जल्द चालू होने का निर्देश दिया है। ये संयंत्र विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों में निर्धारित सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इनमें से प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। इससे अस्पतालों के साथ साथ जिले में मेडिकल ऑक्सीजन की दैनिक आवश्यकता पूरी करने में मदद मिलेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने देशभर में 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए पीएम केयर्स फंड से धन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री शाह ने कहा है कि ऑक्सीजन संकट से निपटने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए यह एक बड़ा फैसला है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र न भूलने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से अधिकतम लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों के प्रयासों को केंद्र का पूरा समर्थन। श्री मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार जरूरी हैं और देशवासियों को इसे बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने लोगों की सेवा में लगी नर्सों, एम्बुलेंस चालकों और अन्य कोरोना वॉरियर्स की भूमिका की सराहना की। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिला सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देश में अब तक 14,09,00,000 कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। केंद्र ने राज्यों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के आवंटन में वृद्धि की। महावीर जयंती देशभर में मनाई जा रही है और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर से और सनराइजर्स हैदराबाद का सामना दिल्ली कैपिटल्स से। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 99वें दिन ही भारत ने 14,09,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 25,36,000 से अधिक टीके लगाए गए। भारत रिकॉर्ड समय में सबसे तेज गति से 14,00,00,000 से अधिक टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है। देश में अब तक 11,85,00,000 से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवाया है, जबकि लगभग 2,22,00,000 लोग आवश्यक दोनों टीके लगवा चुके हैं। केंद्र ने सभी राज्यों के लिए एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर का आवंटन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र को रेमडेसिविर के अधिकतम 4,35,000 इंजेक्शन आवंटित किए गए। गुजरात को 1,65,000, उत्तर प्रदेश को 1,61,000 और कर्नाटक को 1,22,000 इंजेक्शन दिए गए। दिल्ली को 72,000, छत्तीसगढ़ को 75,000 और मध्य प्रदेश को 95,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। ये आवंटन 30 अप्रैल तक के लिए हैं। देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 3,49,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 26,82,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। इस दौरान 2,17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि ठीक होने वालों की दर कम होकर 83.05% रह गई है। देश में अब तक 1,40,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण के सबसे अधिक रोगी अब भी 10 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल से आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 2,767 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1,92,000 से ज्यादा हो गई है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 27 करोड़ 79 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वर्तमान में 2480 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। सरकार ने सभी बड़े बंदरगाहों को निर्देश दिया है कि वे ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरणों को लाने ले जाने वाले जहाजों के लिए सभी प्रकार के शुल्क माफ करें। देश में कोविड महामारी के दौरान इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों की बढ़ती आवश्यकताओं के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोतलें, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडरों के विनिर्माण के लिए स्टील पाइप और संबंधित उपकरण लाने ले जाने वाले जहाजों को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था अगले 3 महीनों या अगले आदेश तक जारी रहेगी। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड देशभर में कोविड मरीजों की संख्या में हाल की वृद्धि के बीच नागरिक प्रशासन और राज्य सरकारों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। संकट के इस समय में हाल की समीक्षा बैठकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश के अनुसार ये कदम उठाया गया है। बेंगलुरु में 180 कोविड बिस्तर वाला देखभाल केंद्र चालू हो गया है। रक्षा क्षेत्र के इस सार्वजनिक उपक्रम ने बेंगलुरु में 250 बिस्तर वाला केंद्र भी तैयार किया है। ओडिशा के कोरापुट में 70 बिस्तर वाला और महाराष्ट्र के नासिक में 40 बिस्तर का अस्पताल भी शुरू हो गया है। लखनऊ में 250 बिस्तर वाले कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है। ये अस्पताल HAL बना रही है। ये मई के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। आयुध निर्माणी बोर्ड कोविड देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड ने अपनी मौजूदा क्षमता में से लगभग 60% कोविड देखभाल के लिए समर्पित कर दिया है। कुल 1405 बिस्तरों में से 813 बिस्तर कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के बढ़ते रोगियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया है कि लॉकडाउन की अवधि अगले सोमवार सवेरे 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े और आपात स्थिति का सामना कर रहे लोगों को वैध दस्तावेज दिखाकर आवाजाही की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि चिकित्सा संस्थानों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऑक्सीजन आपूर्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पर हर 2 घंटे बाद ऑक्सीजन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों द्वारा ताजा जानकारी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अथक प्रयास कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए मास्क लगाने और अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए उद्घोषणाएं की जा रही हैं। इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लागू है, जो कल सुबह तक जारी रहेगा। एक तरफ जब प्रशासन अपने नागरिकों के मुद्दों और समस्याओं को कम करने में हर संभव प्रयास और कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तभी दूसरी ओर आम नागरिकों की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी दिशा निर्देशों और इस घातक महामारी को हल्के में ले रहे हैं। समय की ये मांग है कि इस महामारी की श्रृंखला को तोड़ने में आम जनता को दिशा निर्देशों के अनुपालन करने में प्रशासन की सहायता को सुनिश्चित करना होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। लद्दाख प्रशासन अपनी कोविड जांच सुविधाओं को मजबूत कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश ने लेह और करगिल जिले में मौजूदा 8 जांच सुविधा केंद्रों को मजबूत करने के लिए नई मशीनें खरीदी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन प्रयोगशालाओं में प्रतिदिन 1000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है, जो प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए WHO के परीक्षण मंत्र का सही मायने में अनुसरण कर रहा है। प्रशासन ने लद्दाख क्षेत्र भर में ब्लॉक स्तर पर COVID-19 परीक्षण को विकेंद्रीकृत करने के लिए कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए लेवल 2 के 11 बायोसेफ्टी कैबिनेट्स की खरीदी की है। पूरी तरह से स्टेरिलाइजेशन करने के लिए प्रशासन ने 11 ऑटोक्लेव मशीनों की भी खरीदी की। CSIR प्रयोगशालाओं से परीक्षण सामग्री और उपकरणों को चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा चंडीगढ़ और जम्मू से शनिवार को ले लाए गए। उधर ले एयरपोर्ट पर सांसद जाम्यांग सेरिंग नमग्याल ने पंजीकरण नमूने और स्क्रीनिंग केबिन का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कोविड से निपटने के बारे में कोरोना कंट्रोल कोर ग्रुप के साथ वर्चुअल बैठक की। एक रिपोर्ट। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए उत्पादन और परिवहन के सभी स्तरों पर युद्ध स्तरीय प्रयास देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से चर्चा में यह तय हुआ है कि रेल मंत्रालय मध्य प्रदेश को भोपाल के लिए ऑक्सीजन ट्रेन उपलब्ध कराएगा। यह ट्रेन बोकारो से रांची होते हुए भोपाल आएगी। नाइट्रोजन टैंकर को ऑक्सीजन के लिए कन्वर्ट करने और ट्रेन पर टैंकर लाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की संभावनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी ऑक्सीजन परिवहन के लिए टैंकरों, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की उपलब्धता कराने में सहयोग की अपील की है। ऑक्सीजन आपूर्ति के परिवहन समय में कमी के लिए खाली सिलेंडरों को एयरलिफ्ट कर भेजा जा रहा है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में कोविड मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर राज्य में विभिन्न स्थानीय निकाय ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों के साथ आगे आ रहे हैं। जिले में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए नंदुरबार जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भरूत ने 3 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर उत्पादन परियोजना स्थापित की है, जो जिले की मांग का लगभग 40-50% तक पूरा करेगी। इसके अलावा हवा में से ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने के 2 और परियोजनाएं अगले 8 दिनों में स्थापित की जाएगी। लिक्विड ऑक्सीजन प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है और माना जा रहा है कि नंदुरबार मई के पहले 2 हफ्तों में ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने वाला राज्य का पहला जिला बन जाएगा। इसी तरह मुंबई में बीएमसी 12 अस्पतालों में 16 परियोजना स्थापित करने की योजना बना रही है, जो प्रतिदिन 43 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रदान करेगी। टेंडर प्रक्रिया होने के बाद परियोजना 1 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 8126 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 38 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही महामारी से मृतकों की कुल संख्या 1999 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में लॉकडाउन की अवधि 5 मई तक बढ़ा दी गई है। इस समय राज्य के सभी 28 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन जारी है। रक्षा मंत्रालय ने कथित व्हाट्सएप मैसेज के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। बेंगलोर में वायुसेना कमान अस्पताल के एयर मार्शल आशुतोष शर्मा के इस कथित मैसेज में कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए भाप लेने की सलाह दी जा रही थी। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बेंगलोर में कोई भी एयर मार्शल आशुतोष शर्मा नहीं है। बेंगलोर में वायुसेना के कमान अस्पताल के प्रमुख एयर वाइस मार्शल आशुतोष शर्मा हैं और ये मैसेज उन्होंने नहीं लिखा। ये भी स्पष्ट किया गया है कि वायुसेना और एयर वाइस मार्शल आशुतोष शर्मा का मैसेज में किए जा रहे दावे से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल 5 जिलों के 34 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इन 5 में से 3 जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिणी दिनाजपुर की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 80 वर्ष से अधिक आयु के और दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने के लिए निःशुल्क टैक्सी सेवा की व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल होने वाले 7वें चरण के मतदान के दौरान भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 7वें चरण के चुनाव में कुल 101,687 मतदाता 80 साल की उम्र से ज्यादा हैं और 50,919 दिव्यांग मतदाता हैं। 34 मतक्षेत्रों में इनका वोट है। राज्य चुनाव विभाग ने उबेर टैक्सी के साथ किए समझौते के अनुसार वृद्ध नागरिक और दिव्यांग मत केंद्र पहुंचने के लिए ये उचित सेवा कुछ चुनिंदा मतक्षेत्रों में ले सकते हैं। टैक्सी में 2 किलोमीटर तक 200 रुपये भाड़े तक उचित सेवा लभ्य है। 7वें चरण में कलकत्ता साउथ के 4 मतक्षेत्रों में ये सेवा लभ्य है। इस सेवा को पाने के लिए योग्य मतदाताओं को सहायक केंद्र संख्या 1950 को फोन करके प्रोमो कोड लेना होगा और उबेर ऐप वैलेट में कोड दर्ज करके पोलिंग बूथ तक टैक्सी बुक करनी होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में हाल में हुए चुनावों के वोटों की गिनती अगले रविवार को की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रोगियों को देखते हुए मतगणना के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सुरबीर सिंह ने बताया कि मतगणना के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रत्येक हॉल में अधिकतम 5 मेज ही लगाई जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शों से एक नई राह दिखाई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भगवान महावीर ने अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ भावना के संदेशों के जरिए सौहार्द और मानवता की प्रगति का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम सिखाता है। बिहार में महावीर जयंती का पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जा रहा है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवान महावीर की जयंती पर लोगों को बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर बाद 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर से होगा। दूसरे मुकाबले में 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मणिकांत ठाकुर का कोरोना से देहांत हो गया है। वे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे। मणिकांत ठाकुर ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में कार्य किया। हाल ही में उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में मुख्य मीडिया अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार ने कहा है कि देश में रबी फसल की कटाई के दौरान 81.55% गेहूं की कटाई की जा चुकी है। राज्यों में भी कटाई का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 158 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में दलहन की बुआई की गई थी। चना, उड़द, मूंग, मसूर और मटर की फसलों की कटाई पूरी हो चुकी है। गन्ने की बुआई कुल 48 लाख क्षेत्र में की गई थी। छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में इसकी कटाई का काम पूरा हो चुका है। कोविड-19 की स्थिति के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एम अंगा मुथु ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जैविक उत्पादों के निर्यात में भी 40% की वृद्धि हुई है। राजस्थान ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगले साल मार्च तक 30 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। राज्य में 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से 19% से अधिक को नल के जरिए जलापूर्ति हो रही है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनका गायन हमेशा से लोगों के मन मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता रहा है। आइए सुनते हैं। चरण गहिए श्री कृष्ण शरण गहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया। दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र न भूलने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से अधिकतम लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकारों के प्रयासों को केंद्र का पूरा समर्थन। श्री मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार जरूरी हैं और देशवासियों को इसे बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने लोगों की सेवा में लगी नर्सों, एम्बुलेंस चालकों और अन्य कोरोना वॉरियर्स की भूमिका की सराहना की। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जिला सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। देश में अब तक 14.9 करोड़ कोविड-19 टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया और महावीर जयंती देश भर में मनाई जा रही है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।